Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. अच्छा उनको वहां से ले जाने लगे, मेरे पास से आईसीयू तो बेहोशी की हालत में थी। जाने का 2 मिनट बाद खुली तो मुझसे कहा, बेटे का तुझे कुछ ऐसा हो गया है तो मैं ठीक नहीं हो सकता, तो जो हो वो अपने घर जाके मैंने दुआ करी कि अल्लाह जेल तो मैं काट ही रहा हूं, ये कोई शिकायत फर्स्ट मेरे बारे में खूब बसा समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के बेटे जेल से बाहर निकल चुके हैं। वो जेल के भीतर की आपबीती को बयां कर रहे हैं। ऐसे में एक प्रोग्राम में उन्होंने अपने पिता आजम खान के बारे में बताया तो बरबस ही उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने सिलसिलेवार बताया कि जेल में कैसे पिता पर जुल्म हो रहे हैं। ध्यान रहे कि योगी सरकार के कार्यकाल में आजम खान के साथ उनके बेटे अब्दुल्ला खान को पुराने मामलों में जेल की हवा खिलाई गई थी। आजम अभी तक जेल के भीतर ही हैं, जबकि उनके बेटे को जमानत पर रिहा किया जा चुका है। उधर समाजवादी पार्टी ने रामपुर जिलों की 5 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है। रामपुर शहर विधानसभा सीट से सांसद आजम खां को प्रत्याशी बनाया गया है। स्वारा टंडा से उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम लड़ेंगे। आजम खां इस सीट से 9 बार विधायक रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकारों में वो मंत्री भी बने। वहीं स्वारा टंडा विधानसभा सीट से आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम खां समाजवादी पार्टी के टिकट पर एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगे। 2017 के चुनाव में भी उन्हें प्रत्याशी बनाया गया था, वो भी जीत गए थे, लेकिन उम्र पूरी न होने के कारण कोर्ट ने उनका निर्वाचन रद्द कर दिया था। अब समाजवादी पार्टी ने उन्हें दोबारा प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी जिले की दूसरी सीटों से भी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। चमरुआ और मिलक सुरक्षित सीट पुराने चेहरों पर ही दाव लगाया गया है। बिलासपुर विधानसभा सीट से अमरजीत सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। यहाँ दूसरे चरण में विधानसभा चुनाव होना है, इसके लिए 21 जनवरी से नामांकन शुरू हो जाएंगे, जबकि 14 फरवरी को मतदान होना है। उधर भाजपा ने रामपुर जिले के 4 विधानसभा सीटों पर अपनी प्रत्याशी घोषित कर दी है, जबकि स्वार टंडा पर अभी घोषणा नहीं हुई है। रामपुर शहर से भाजपा ने ऐसे शख्स को चुनाव मैदान में उतारा है जिन्होंने आजम खां पर कई मुकदमे दर्ज कर रखे हैं। आकाश सक्सेना नाम का यह शख्स वकील है, उसके पिता शिव बहादुर सक्सेना हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब इस तरीके का अब्दुल्ला आजम इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ का नतीजा किस में परिवर्तित होता है। आपकी क्या राय है, क्या आपको लगता है कि आजम खान फिर से बाजी मार पाएंगे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.